भूत प्रेत और स्वर्ग नर्क की कहानियाँ हम सभी ने बचपन से सुनी होती हैं, लेकिन अगर आप वाकई उनके बारे में जानना चाहते हैं तो आपको गरुड़ पुराण पढ़नी चाहिए। इन बातों का वर्णन इस पुराण में किया गया है। इस महापुराण में जीवन की तमाम नीतियों के अलावा मृत्यु के समय और बाद की स्थितियाँ व स्वर्ग नर्क और पितृलोक के बारे में भी काफ़ी कुछ बताया गया है। साथ ही जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्मात्मा के अंतर को भी बताया गया है। और आज हम जानेंगे कि भूत प्रेत की धारणा को लेकर क्या कहता है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा भौतिक शरीर में वास करती है तब वो जीवात्मा कहलाती है। सूक्ष्मतम शरीर में प्रवेश करने पर इसे सूक्ष्मात्मा कहते हैं। वही वासना और कामनामय शरीर में प्रवेश करने पर इसे प्रेतात्मा कहा गया है। इन भूत प्रेतों की अपनी श्रेणियां होती हैं, जिनमें यम, शाकिनी, डाकिनी, चुड़ैल, भूत प्रेत, राक्षस और पिशाच कहा जाता है। धर्म शास्त्रों में 84 लाख योनियों का जिक्र है। इनमें पशु पक्षी, मानव, वनस्पति और कीट पतंगे आदि सभी शामिल हैं। इनमें से अधिकतर योनियों में जीवात्माएं शरीर त्यागने के बाद अदृश्य भूत प्रेत योनि में चली जाती हैं। ये दिखाई नहीं देती लेकिन बलवान भी नहीं होती। वहीं कुछ पुण्य आत्माएं अपने सत्कर्मों के आधार पर पुनः गर्भ धारण कर लेती हैं। अदृश्य होकर बलवान होना आत्मा के कर्म और गति पर निर्भर करता है।